कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नमस्कार मैं हूँ राहुल तिवारी और आप इस वक्त देख रहे हैं अर्थप्रकाश टी हालातों से डरकर हालातों का बहाना लगाकर कई लोग देखे होंगे कई आपके घरों में होंगे आस पड़ोस में होंगे जो छोटी छोटी मुसीबतों का सामना ना कर पाकर और बहाना लगा देते हैं कि ये काम नहीं होगा आपको इस वक्त मैं मिलाता हूँ एक ऐसी गुड़िया से जिसने हाथ ना होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई की और ऐसी पढ़ाई लिखाई की कि चंडीगढ़ में एक नाम बनाया पोजीशन बनाई और बारहवीं में बहत्तर प्रतिशत अंक प्राप्त कर कर एक मिसाल कायम कर दी आपको मिलाते हैं रहनुमा से ये देखिए ये हमारे साथ रहनुमा है और आइए इनसे जानते हैं कि किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा किन स्कूलों में आप पढ़े और बारहवीं आपसे आपने कहाँ से की सर मैंने फर्स्ट क्लास जो की है वो मैंने मौली जागरा अपने यहाँ के स्कूल से की है और जो मेरी टेन प्लस वन और प्लस टू मेरी एट मॉडल से हुई है हुँ. और और मैं अपनी बहन मेरी बहन भी मेरे साथ जाती थी वो भी प्लस प्लस टू क्लियर हो गया उसका भी और अब बारहवीं क्लियर करने के बाद हमने सुना है कि आपके बहत्तर प्रतिशत आए तो उसमें लोग आज के टाइम में बहुत तगड़ा कंपटीशन है बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उसके बारे में कुछ बताएंगे वो कैसा समय रहा कैसे कैसे लगन से मेहनत की कैसे किया सर बहुत मेहनत करी और, और जी जान लगा के मैंने इतने बहत्तर परसेंट नंबर लाई और, और मेरी बहन भाई वो भी मेरा मतलब मेरी हेल्प करते थे कि मेरा सुनते थे और अच्छा। एक साथ, अभी, एक साथ हाँ अभी जो किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ टेन सेक्टर टेन में आपने एडमिशन लिया है फिलहाल तो क्लासें नहीं लग रही फिलहाल कैसे अरेंज कर रहे हैं ये ऑनलाइन क्लास में चल रहा है बस अभी बस थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है बाकी बस एडजस्ट कर लेती हूँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो गुड़िया है इनको जो पेंटिंग्स का बहुत बड़ा शौक़ है और हमने सुना भी है कि इन्होंने कई कॉम्पिटिशन्स जीते आई हैं इनसे ही जानेंगे और इनके पास पड़ी जो इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इनका काम है लिखना उसके बाद पेंटिंग करना ये बहुत बड़ी बात जो है आपको इस वक्त जो जज्बा है जज्बे की मिसाल कायम करते हुए इन्होंने दिखाया है आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पेंटिंग्स हैं आप दिखा सकते हैं क्या क्या पेंटिंग आपने तैयार की हैं ये जो फर्स्ट पेंटिंग है आप देखिए स्टार्टिंग से जो बुक है बुक के इस पूरी बुक में जो आर्ट बुक है इन्हीं के द्वारा बनाई गई ये बुक है इसमें डे बाय डे के हिसाब से इनकी जो पेंटिंग है और वो इसमें मैं, बनाई गई है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैरों के ज़रिए ये पूरी पेंटिंग बनाती हैं और अपना पूरा का पूरा काम किसी की हेल्प लिए बिना अपना दिनचर्या का काम पढ़ाई लिखाई लिखने से लेकर अब तक ड्राइंग करने तक सब काम ये खुद ही करती हैं एग्ज़ाम में भी हमें बताया गया कि जब ये एग्ज़ाम देने जाया करती थी तब इनकी हेल्प के लिए पूछा गया था कि कोई आपके साथ बैठे जो लिख सके आपका पेपर पर इन्होंने दिलेरी जज्बा दिखाते हुए अपनी मेहनत के ज़रिए पैरों से रास्ता निकाल लिया लिखने का और वो पेपर लिखे आपको दिखाते हैं ये जो पेंटिंग्स हैं किस तरह से इन्होंने बनाई और इनकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है ये कोरोना काल की बनाई हुई पेंटिंग है कब बनाई थी आपने ये सितंबर सितंबर में था। सितंबर में था मार्च में सॉरी सारी सॉरी अच्छा जब आ, ये लॉकडाउन जब लगा था तब बनाई थी आ, आ, मैं चाहूँगा कि ये पेंटिंग दिखाई जाए कितनी शानदार पेंटिंग बनाई गई है पीछे पूरा अर्थ है उसके बाद एक लेडी खड़ी है और ये मास्क पहना हो ये विचार कैसे आया आपको ये पेंटिंग बनाने का ये तब मतलब ज़्यादा चल रही थी लॉकडाउन मतलब कोरोना वायरस के ऊपर तब बंदे अपना अवेयरनेस नहीं कर रहे थे कि बिना मास्क के चले गए तो उसी के ऊपर बनाया था कि सब अपने अपने फेस पे मास्क लगा के चले लोगों को अवेयर करने के लिए इन्होंने ये पेंटिंग तैयार की मैं चाहूँगा कि आगे और पेंटिंग्स हमारे दर्शकों को दिखाई जाए कि, कि किस तरह का ये देखिए जो नेक्स्ट पेंटिंग है ये क्या कहती है ये मतलब ये भी कोरोना वायरस के ऊपर है और जो मतलब डॉक्टर वगैरह जो हमारी हेल्प कर रहे हैं मरीजों को देख रहे हैं उनके ऊपर बनाई थी और ये इतने मतलब पूरे बोझ उनके ऊपर ही था डॉक्टरों के ऊपर तो इनके ऊपर मैंने इंडियन सोल्जर लिख दिया था अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं तो और पेंटिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे ये देखिए मदर्स डे दे के ऊपर ये पेंटिंग तैयार की है एक माँ बेटे और बेटी का रिश्ता जो होता है माँ बाप का रिश्ता होता है वो उसको दिखाते हुए इन्होंने ये पेंटिंग खूबसूरत पेंटिंग बनाई है आप यकीन नहीं कर पाएंगे ये पेंटिंग्स इनके पैरों से बनाई गई है ब्रश जो पेंट ब्रश हैं उनका ये जो इनका सामान पड़ा है इन्होंने इन्हीं चीज़ों से इसको तैयार किया है मैं चाहूँगा एक आगे एक पेंटिंग देखें हम कि वो क्या कहती है देखिए हर पेंटिंग हर पेज अपनी कहानी अलग बयां करते हुए आपको दिखा रही है कि किस तरह से इन्होंने इस पर कलाकारी करी मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा कोरोना काल में सब ने लड़ाई करी डॉक्टरों ने पुलिस ने सब ने अपना कहीं ना कहीं सहयोग दिया पर उसमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन का जो काम किया जो एक रीढ़ की हड्डी बन के भारत में सामने आए वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे उनकी ये जो पेंटिंग तैयार की है इन्होंने तो इसके बारे में पूछना चाहेंगे कैसे कैसे तैयार किया तैयार हो गई कुछ सोचा था हाँ जी सोचा था पहले क्या? कि... हाँ। अच्छा काम किया इन्होंने यस अच्छा और मतलब बहुत बहुत काम किया इन्होंने और लोग लो, हम लोग के वगैरह बस इतना आगे आगे देखना चाहूँगा मैं एक लास्ट पेंटिंग आगे देखना चाहूँगा कि क्या कहती है अगली पेंटिंग बहुत सा खजाना है यहाँ पर देखते ही बनती है हर पेंटिंग मेरे हिसाब से यहाँ खजानों की कतार लग चुकी है आपको दिखाऊँ कि पेंटिंग चूज़ की जा रही है यहाँ पर कि हाँ अगली कौन सी दिखाऊँ अगली कौन सी दिखाऊँ एक मन के अंदर दुविधा वाला जो अंदर मन में एक सामंजस्य पैदा होना शुरू हो जाता है कि ऑन कैमरा कैसे कौन सी पेंटिंग दिखाई जाए वो फ़िलहाल अभी तो मेरे हिसाब से कुछ पेंटिंग में भी पड़ी हैं तो बेस्ट पेंटिंग इसके बाद की कोई बहुत अच्छी पेंटिंग जो आपके हिसाब से बेस्ट है ये फ्लावर वाली पेंटिंग ये कब बनाई थी आपने मंडे को बनाई थी पिछले हफ्ते अच्छा। तो सर ने बोला था कि पेंटिंग बनानी है किसी के ऊपर फ्लावर हो या किसी के ऊपर भी बना लो तो मैंने फ्लावर के ऊपर बनाई थी अब हमने आपका ये सब देखा ये टैलेंट देखे अब मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके अलावा पेंटिंग के अलावा और किन को क्या क्या टैलेंट है आपके मेरे को मेहंदी बना मैंने बनाई भी है देखो अरे वाह ये देखिए मैं चाहूँगा ये देखिए गुड़िया की मेहंदी देखिए ये खुद ही एक

कहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे भी कंपटीशन हुआ था तो अच्छा। मेरे को अवार्ड मिला था सेकंड बार भी अवार्ड मिला था थर्ड बार मिला थर्ड प्राइज था अरे वाह <laughs> मतलब मिसाल तो कायम कर ही रही है उसके साथ साथ जिनके हाथ हैं उनको शर्मिंदगी भी महसूस करा रही है कि भैया तुम्हारे हाथ होते हुए भी तुम काम नहीं कर रहे हो ये दिलेरी है दिल से काम कर रही हैं ये चीज़ जज्बा जो है लॉकडाउन में भी बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में तो भी हाँ। कोरोना वायरस के ऊपर ये जो दो पेंटिंग है उस एक का अवार्ड है एक का फर्स्ट है अच्छा, फर्स ये जो हमने कोरोना वायरस के ऊपर पेंटिंग देखी है अवार्ड जीत चुकी है पेंटिंग मेरे को लगता है आने वाले टाइम में आप एक जो बुलंदियाँ होती हैं वहाँ तक जरूर वो होंगी और मैं दोबारा चाहूँगा कि आपका फिर से उस बुलंदी पर पहुँचने के बाद इंटरव्यू ले सकूँ वैसे आज डिसबलिटी डे है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे क्या मोटिवेशन बात बताएंगे और किस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए डिसबलिटी डे है आपने इतनी बड़ी मिसाल कायम कर दी तो औरों के लिए क्या संदेश रहेगा मेरे लिए संदेश है कि मतलब जो बंदे मेरे जैसे हैं उन वो कभी हार ना माने मतलब कोई कोई होता है कि जो बंदे ऐसे होते सिवाय भी मतलब भीख वगैरह मांगते हैं रोड पे और हाँ जिनके हाथ भी है वो भी भीख मांग रहे हैं तो उनके लिए ये है कि मुझे देख के उन्हें ये प्रेरणा आनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे को कर, मैं कर सकती हूँ खुद इस वक्त हमारे साथ गुड़िया की मम्मी है जो गुल इनका नाम गुलनाज बानू है आइए इनसे जानते हैं कि कैसे प्रॉब्लम का कर सामना करके गुड़िया इतनी बुलंदियों पर चढ़ती जा रही है रुक मतलब रोज़ एक कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है और मिसाल का मत बनती जा रही है आने वाले लोगों के लिए तो आपका इस पे क्या कहना है मैं सोच रही कि मेरे जैसी मेरी बच्ची है ना और किसी के भी कैसे ही बच्चे हो जिसका हाथ हो या ना हो पैर हो या ना हो दिमाग से कमज़ोर है लेकिन उसको पढ़ाने से मत हो हटाओ उसे बस यह है कि कितनी भी परेशानी हो उन्हें पढ़ाओ लिखाओ सबसे ज़्यादा जरिया यही इनका बनेगा आगे जाके हम रहे या ना रहे लेकिन इनके पास ये जरिया हमेशा रहेगा ये ये जो दिनचर्या का काम करते हैं अगर मैं बात करूं तो आप तो आ, मदर हैं है, तो किस तरह से खुद किसी की हेल्प ले रही हैं किस तरह से काम करते हैं देखो मैंने आज तक किसी से अपने मुंह से नहीं मांगी हेल्प लेकिन हमारे हालात एक है ना खुद खड़े हो जाते हैं बहुत खड़े होते हैं ये नहीं है कि घर पे ही रास्ते में भी देखते थे जब मेरे पास पैसे नहीं रहते थे हम किराया कोई प्रूफ इसका बनाया रास्ते में हम जा रहे हैं इसे थोड़ा थोड़ा बिठा के मैं इसका साथ जा रही कोई भी मेरा हेल्प कर देता था ये ये नहीं, फिजिकली घर की है घर के काम घर के काम काज वगैरह उसमें कैसे हेल्प लेते हैं ये मैं तो ये सोचती हूँ जो ये काम कर रही मैं करने देती हूँ लेकिन देखती हूँ कि हाँ ये इसने अब ये थक गई है तब तो मैं इसकी हेल्प करती हूँ ना तो मैं इसको इतनी प्यार करती हूँ ना डांटती हूँ पर काम ये करती हूँ कि बराबर करो काम जी। अपना खाना खाओ कपड़े भी धो लेती है ये अपने डिसेबिलिटी डे पर आज हमारे साथ जो गुड़िया हैं वो आने वाले युवाओं आने वाले यूथ के लिए और डिसेबल बच्चों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है रोडों पर सड़कों पर भीख मांगना ही एक आखिरी रास्ता रह जाता है वो इन्होंने ऐसा साबित करके दिखाया है कि वो एक आखिरी रास्ता बिल्कुल नहीं है वो आपके जीवन में एक मोड़ लाके दिखाती हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए अंदर से प्रेरित करते हैं इनको देख कर आप जो भी डिसेबल है जो बहाना लगाते हैं जो छोटी छोटी समस्याओं से पीछे हटते हैं ऐसे लोग थोड़ा सावधान हो जाएं इनका जो काम का तरीका है रुकना नहीं है बढ़ना है वो चीज़ आप अपने मन के अंदर लाएं चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी अर्थ प्रकाश न्यूज ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।